बेटा नोट्स तो आपके ठीक लग रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी बेटा पूछो। सर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। अच्छा, फिर तो बड़े बुरे लोग होंगे मेरे ख्याल से। बेटा ये कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए, कहाँ से लिए? सर मेरे पेरेंट्स ने लेके दिए। अच्छा, और ये आपकी फी कौन पे करता है? ऑफ कोर्स सर, पेरेंट्स ही पे करते हैं। अच्छा, वो मैंने सुना था आपके अंकल आपको पालते हैं। क्या मतलब है सर? ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला। अच्छा, आपको पाला भी आपके पेरेंट्स ने है, आपकी कॉलेज की फ़ी भी पे करते हैं, आपको अच्छे अच्छे कपड़े भी लेके देते हैं, शॉपिंग भी करवाते हैं, लेकिन आपको समझते नहीं हैं, बड़े बुरे लोग हैं, उनको सजा तो मिलनी चाहिए वैसे। नहीं सर मेरा ये मतलब नहीं है। बेटा मैं समझता हूँ आपका क्या मतलब है, मैं भी एक बाप हूँ, मैं मानता हूँ उनको आपको सुनना चाहिए, बात करनी चाहिए, आपको समझना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ एक बात मेरे कहने पे ज़रूर समझना और सोचना कि क्यों उन्होंने आपको छोटी सी बच्ची से लेके इतना बड़ा इंसान बनाया, पढ़ाते लिखाते हैं, अपनी खुशियाँ कुर्बान करके आपको फ़ी पे करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेके देते हैं, शॉपिंग कराते हैं, अच्छे से घर में रखते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा आपको चीज़ें लेके देते हैं, लेकिन उनका एक जुर्म हो जाता है कि वो आपको समझते नहीं हैं। बच्चों को लगता है कि हम जो समझते हैं वो सही है, वो जो वो कहते हैं वो गलत है। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए एक काम करना, आप अपनी क्लास की किसी ऐसी बच्ची से डिस्कस करना जिसके वालदैन नहीं हैं, आपको समझ आ जाएगा। सॉरी सर मैं समझ गई हूँ। नहीं बेटा सॉरी करने की कोई बात नहीं है, आप जिस उम्र में हो उस उम्र में बच्चों के जहन में इस तरह के सवाल आ जाते हैं, लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कौन है जो हमें समझ सकता है। अगर हमारे वालदैन ही हमें समझ नहीं सकते, फिर दुनिया में कोई भी हमें समझ नहीं सकता।